हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। इस समय हम लोग स्टेनोग्राफर की इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रीवियस पेपर हुआ था 12 और 13 अगस्त को। 12 और 13 अगस्त कौन सा? 2023 में, ठीक है। तो हर शिफ्ट में तीन पेपर हुआ था, 12 में भी तीन पेपर हुआ था, 1, 2, 3, और 13 में भी 1, 2, 3, मतलब कुल मिला के 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था, जिसमें से हम 12 के तीनों शिफ्ट करा चुके हैं और 13 के दो शिफ्ट हम करा चुके हैं। और जो 13 की तीसरी शिफ्ट का पेपर था उसमें से भी एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं और आज करने जा रहे हैं इसका पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 65 तक डिस्कस करेंगे, ठीक। पीडीएफ कल ही आप लोगों को मिल गया था, उसी में से आपने 35 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वही पीडीएफ है, 100 क्वेश्चन का एक ही बार में डाल दिया था। तो कल आप लोगों ने डिस्कशन देखा होगा और कर तो पूरा ही लिया होगा, लेकिन आज दूसरा पार्ट आपको मिल रहा है, आप अपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो चलिए मिलाते हैं कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, कौन से सही हुए हैं, खासतौर से जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं और उनकी जगह पर क्या होना चाहिए था, क्यों आपसे गलती हुई, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 होगा। इसमें क्या कह रहे हैं कि आप एक्टिव वॉइस में चेंज करिए। एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ लिखा है कि इट इज़ सेड दैट दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द रीजन। तो इट इज़ सेड क्या है? ये भी पैसिव वॉइस है, क्योंकि इज के बाद जब हम सेड लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस होती है। और दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल, यहाँ पे केवल इज मेन वर्ब हो गई है, कोई और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी नहीं है, तो इस वाले पार्ट की हम पैसिव वॉइस बना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस स्टेटमेंट में है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल, अब इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनानी, क्योंकि इसमें ना कोई डूअर है और ना कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है, इट इज़ सेड है। तो इट इज़ सेड की जगह पर एक्चुअली बनना क्या चाहिए था? दे से दैट, क्या होना चाहिए था? दे से दैट, लोगों का ऐसा कहना है कि, ये हमको चाहिए था। लेकिन जो ऑप्शंस हैं उनमें किसी में भी एक्चुअली एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाया गया नहीं है। हम आपको ये चीज़ अभी क्लियर कर दे रहे हैं, ये आयोग की मिस्टेक है जिन्होंने पेपर बनाया था। देखो अभी मैंने क्या कहा था कि जब हम इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? पैसिव वॉइस का होता है। यहाँ इट इज़ सेड था, देखो यहाँ भी दिस इज़ सेड लिखा हुआ, तो इट इज़ सेड का दिस इज़ सेड कर दिया, तो ये कोई एक्टिव वॉइस तो नहीं हो गई। दूसरी बात लिखा दिस टेम्पल इज़ सेड, इज़ सेड इज़ के साथ आप थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं फिर भी वो पैसिव वॉइस ही है। यहाँ भी इज सेड लगा है, ये भी पैसिव वॉइस ही है। दिस इज टोल्ड टू बी, अब यहाँ इज के साथ टोल्ड लगा रहे हो, ये भी पैसिव वॉइस है। तो इसमें कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है ही नहीं, जो ऑप्शन है वो भी और जो क्वेश्चन था वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, ठीक। अब ये देखते हैं कि किस सेंटेंस में कुछ मीनिंग आ रही है। यहाँ लिखा है दिस इज सेट टू बी द ओल्डेस्ट, ठीक है। अब यहाँ जो लिखा है सेट दैट दिस इज, यही इसी की जगह पर इन्होंने क्या कर दिया? टू बी कर दिया, ठीक है। तो दिस इज सेट टू बी द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द रीजन, मीनिंगफुल है जो यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा कहा जाता कि ये इस एरिया का सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है। वही जहाँ दिस इज, ये दिस लगा है ओल्ड टेम्पल के लिए, उसी दिस को यहाँ इन्होंने कर दिया। लेकिन इज सेड लगाने का मतलब हुआ कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हुआ एक्चुअली नहीं है, ठीक है। बस यहाँ से मैं आपको एक बार क्लियर करके दिखाऊंगा, ये जो दिस लगा है दिस किसके लिए? टेम्पल के लिए, इसी वाले को यहाँ कर दिया इन्होंने, टेम्पल के लिए जो सब्जेक्ट था यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया, बस और कोई चेंज नहीं किया है। जबकि ये एक्टिव वॉइस नहीं हुआ जब तक आप वर्ब को एक्टिव फॉर्म में नहीं लाएंगे, ठीक। और आयोग ने यही वाला आंसर भी माना था। और यहाँ लिखा दिस टेम्पल इज सेड इन द रीजन टू बी, अब यहाँ इन द रीजन टू बी, अब ओल्डेस्ट टेम्पल, यहाँ इन्फॉर्मेशन कम दी गई है इसलिए गलत हो गया सेंटेंस ग्रामेटिकली। और दिस ओल्डेस्ट टेम्पल इज सेट टू बी इन द रीजन, अब दिस ओल्डेस्ट टेम्पल इज सेट टू बी इन रीजन, इसकी भी मीनिंग गलत जा रही है, अर्थ नहीं आ रहा है। ग्रामेटिकली तो सही है लेकिन वो अर्थ नहीं आ रहा है, अर्थ खराब हो रहा है। और दिस इज ओल्ड टू बी द ओल्डेस्ट, दिस इज टोल्ड टू बी द ओल्डेस्ट टेम्पल, इसे ओल्डेस्ट टेम्पल कहा जाता है, इसमें इन द रीजन नहीं लगा हुआ है। तो बाकी तीनों में या तो मीनिंग खराब हो रही है या ग्रामर खराब हो रही है। ये पहला वाला सेंटेंस ही है जो ग्रामेटिकली और क्वेश्चन के सेंस को पूरा पूरा कन्वे कर रहा है, हालांकि वो एक्टिव वॉइस में नहीं बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कभी कभी इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है। आगे क्वेश्चन ले लो, ये क्वेश्चन है एंटोनीम का,
इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है कंपैटिबल, और कंपैटिबल का मतलब क्या होता है, ठीक। जब दो चीज़ें एक साथ हो सकती हैं या जब दो लोग साथ में रह सकते हो, मतलब उनमें इतना तालमेल है, इतना आपसी मेलजोल है, इसी को कहते हैं हारमोनी, इसी को कहते हैं कंपैटिबल, ठीक है। मतलब कंसिस्टेंट हो जाएंगे, कंपैटिबल होंगे तो कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। इसका एंटोनीम तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट आ जाएगा, ये एंटोनीम हो गया आपको, ठीक है, मिल गया। हेल्पफुल का मतलब जो दूसरे की मदद करता है, अगर ये करोगे तो बहुत होगा, तो साइनोनीम में तो जा सकता है, एंटोनीम में बिल्कुल नहीं जाएगा। एनर्जेटिक क्या होगा, फुल ऑफ एनर्जी। और इमेकुलेट का मतलब क्या होता है, एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत ही साफ और सुथरा, ठीक है, नीट एंड क्लीन। तो इसका कोई लेना देना नहीं है, बाकी ये सब कोई लेना देना नहीं है, ये दूसरा वाला आंसर आएगा आपका, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें आपको एरर बतानी है, क्योंकि यहाँ लिखा है ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। चलिए पढ़ के देखते हैं। तो लिखा है सी लाइक्स स्ट्रीट फूड सच दैट गोलगप्पे टिक्का चाट। तो आप समझते रहे होगे गोलगप्पे क्या है, टिक्का क्या है, चाट क्या है, ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, ना इमेज दिखाने की ज़रूरत है। आप लोगों के दिमाग में वो इमेज आ गई होगी अब तक ऑलरेडी, ठीक है ना। चलिए तो इसमें आपको एरर ढूंढनी है, एरर ढूंढते हैं हम। तो उसको स्ट्रीट फूड नहीं पसंद है, सच दैट। अच्छा, गोलगप्पा क्या है, स्ट्रीट फूड का एग्जांपल है, ये तीनों क्या है, स्ट्रीट फूड के एग्जांपल हैं। एग्जांपल देने के लिए हम लोग सच दैट नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सच एज लगाते हैं, ठीक है, दैट कंपेयर करने में लगता है, एज क्या लगता है, एग्जांपल देने में लगता है, तो सच एज होना चाहिए। तो स्ट्रीट फूड सच एज कहाँ है, ये है सच एज, ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। लाइक लगा है यहाँ पे, तो लाइक के साथ एज नहीं, या तो लाइक लगा लो या तो एज लगा लो, तो लाइक के साथ एज नहीं लगता, ठीक है। तो यही एक ऑप्शन बचा आपके पास। अब आते हैं आपके अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। देखें पिछली वाली प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। मंकी वाज नॉट चेज्ड अप द ट्री बाय द लायन। बाय द लायन में लायन चेंज कर रहा है, किसको चेंज कर रहा है, मंकी को चेंज कर रहा है, इनकी जगह बदलोगे, ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। वाज नॉट चेज्ड, अभी कल वाले डिस्कशन में भी यही था कि जब हम वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वाज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर नॉट भी लगा हुआ है, तो वाज नॉट के साथ थर्ड फॉर्म होने का मतलब हुआ ये पैसिव वॉइस होगी, तो इसकी एक्टिव वॉइस क्या होगी, डिड नॉट लग जाएगा, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जहाँ हमें डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म मिले, तो पहले ये ढूंढ लो वाज नॉट चेंज्ड पैसिव का पैसिव ही रहा, लाइन वा यहाँ भी वाज नॉट चेंजिंग हो गया, नहीं होगा, ये डिड नॉट चेंज लगा है, ये वाज नॉट चेंजिंग लगा है, तो ये भी नहीं होगा, फिर यही डिड नॉट चेंज वाला होगा ऑप्शन, तो थर्ड वाला आंसर हो गया, ठीक है ना, कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 वाले में क्या करना है, एरर का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए एक ऑप्शन नो एरर दिया हुआ है, स्टेटमेंट इतना लंबा चौड़ा दे दिए, दो मिनट इसी में चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन देख लिया करो, नो एरर यहाँ लगा है तो उसको स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिखा है स्टेला यूजुअली मैनेजेज द वेस्ट मटेरियल। स्टेला यूजुअली वेस्ट मटेरियल को मैनेज कर लेती है, और यूजुअली लगने का मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस किसका है, हैबिचुअल है, आदत से रिलेटेड है उसकी, तो ये हैबिचुअल स्टेटमेंट होगा, और हैबिचुअल होने का मतलब दैट सेंटेंस विल बी इन प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, ठीक, ये प्रेजेंट इन डेफिनिट का हो गया। तो पहला वाला पार्ट एकदम से सही है, अब दूसरे पार्ट वाले की पोस्टमार्टम करो। यूजुअली लगा है, मैनेजर्स ठीक है, द वेस्ट मटेरियल यहाँ कोई गलती नहीं है, एंड लगा, एंड लगने का मतलब अगर एंड के पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एंड के बाद में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होना चाहिए, तो जो डिस्पोज्ड है उसकी जगह पर होना चाहिए था डिस्पोजेज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम शायद नहीं, तो ये जो डिस्पोज्ड है वहाँ डिस्पोजेज होना चाहिए, डिस्पोजेज देम मेटिकुलसली और उसको बहुत अच्छे से डिस्पोज करती है, ये गलत हो गया। चलिए आंसर मिला आपको, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 41, एक्टिव वॉइस में चेंज करो, वाज के साथ बॉट लिखा हुआ है, ठीक, फिर वही कहानी पुरानी। अ न्यू लैपटॉप वाज बॉट, वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब हमको वहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए, वाज हटाएंगे, और ये बाई के साथ क्या लिखा है, बाई मी लगा है, बाई मी मतलब आई पहले आ जाएगा, आई बॉट पहले में दिया है, आई बॉट, यहाँ हैव बीन लगा, यहाँ हैव बाय लिखा, यहाँ वाज बॉट, तो फिर से पैसिव वॉइस हो गई, तो कौन सा आंसर हो गया, पहला वाला आंसर हो गया।
ये वाज बट बहुत आ रहा है, ठीक है, तैयार रहिए जरा, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन होता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में खाली जगह भरना है, जरा पढ़ के देखो। द अमाउंट ऑफ स्लीप यू रिक्वायर, तो द अमाउंट ऑफ स्लीप यू रिक्वायर मतलब क्या हुआ, जितनी मात्रा नींद की आपको ज़रूरत है, चेंजेज ग्रेटली थ्रू आउट योर लाइफ, ये समय समय पर बदलती रहती है। जैसे हफ्ते 10 दिन का बच्चा होता है तो 24 घंटे में आई थिंक कि 20 घंटा सोता ही है, 20 घंटे से ज़्यादा ही सोता होगा, खाली भूख लगने पे जागता है, कभी कभी सोते सोते ही भूख अपनी पूरी कर लेता है, ठीक। ऐसे ही जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे समय बदलता जाता है, तो आपको जो नींद की रिक्वायरमेंट है वो आपकी उम्र के हिसाब से बदलती रहती है। आगे लिखा है डैश ऑन आवर एज, किस पर डिपेंड करती है, आपकी एज पर डिपेंड करती है, एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करती है, अगर आप फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो नींद ज़्यादा चाहिए, ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करती है कि आप हेल्दी हैं या बीमार हैं, आपके लाइफ स्टाइल पैटर्न पर डिपेंड करती है। तो सब कुछ क्या है, पर डिपेंड करना। और दूसरी बात यहाँ क्या लिखा है, ऑन, ऑन लगने का मतलब देखें इसमें से क्या लगेगा, डिपेंड करने के लिए यहाँ सस्पेक्ट तो हम लगाएंगे नहीं, डिस्ट्रस्ट भी नहीं लगाएंगे, कोरिलेट हो सकता है। तो डिपेंडिंग के साथ क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, कोरिलेटिंग के साथ क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ कोरिलेट लग जाता अगर यहाँ विद लगाते हैं, आपकी एज से आपकी एक्टिविटी लेवल से रिलेट करता है, तो विद लगा होता तब, चूँकि यहाँ पर ऑन लगा हुआ है इसलिए कोरिलेट नहीं हो पाएगा, फिर क्या लगेगा, डिपेंडिंग लगेगा, ठीक है। तो बाद में आए प्रीपोजिशन को चेक कर लिया करो कि वो सूटेबल है या नहीं है, उसके लिए वर्ड ठीक लगा है कि नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 43, फिर यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, इस अंडरलाइन किए हुए पार्ट के लिए आपको इडियम ढूंढना है, सिचुएशन ऊपर दी गई है और इडियम नीचे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए पहले सिचुएशन पढ़ लेते हैं ना, क्या है लिखा, आई वॉज अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड का मतलब क्या हुआ कि हम निर्णय नहीं ले पाए थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी लंबे समय तक हम निर्णय नहीं ले पाए थे, कुछ डिसाइड नहीं कर पाए थे। टू सेलेक्ट द राइट कोर्स ऑफ स्टडी आफ्टर माई सीनियर सेकेंडरी एग्जाम, सीनियर सेकेंडरी के बाद क्या कौन सा कोर्स लें, क्या पढ़ें, हम बहुत दिनों तक ये डिसाइड नहीं कर पाए थे। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है, अनडिसाइडेड कंडीशन में होना, सिटिंग ऑन द फेंस मतलब आप चार दीवारी पर खड़े हैं, कभी इधर जा करें, कभी उधर जा करें, कभी ये कर लें, कभी वो कर लें, तो ये होता है एक अनडिसाइडेशन की कंडीशन। बीटिंग अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या हुआ, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, मतलब राउंड अबाउट टॉकिंग होती है, तो ये लग नहीं पाएगा यहाँ पर। ऑन फूल्स एरंड, इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी को ऐसा काम देते हैं करने को जो लगभग लगभग इम्पॉसिबल है हो पाना, जिसमें सक्सेस इम्पॉसिबल होती है, तो कभी कभी सीनियर जो वर्कर्स होते हैं नए नए एम्प्लॉयज़ को इस तरह का काम दे देते हैं, बच्चा ये कर लो, अब वो होना नहीं है, तो ये होता है ऑन फूल्स एरंड, ठीक है। और आगे आ जाओ नॉकिंग अराउंड, नॉक अराउंड का मतलब क्या होता है, वंडर अराउंड मतलब क्या होता है, आवारागर्दी करना, इधर उधर घूमना बिना मतलब के, टाइम वेस्ट करना, ठीक है, ये होता है वंडरिंग, टाइम वेस्ट करते हुए इधर उधर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सिटिंग ऑन द फेंस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है, इसमें भी इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इतना बड़ा आपको देखने में लग रहा होगा तो आप घबरा ना जाइए, डोंट वरी, हमें देखना है इसमें वर्ब सबसे पहले। तो लिखा है वी मस्ट बी विजिलेंट, वी किसके लिए लगा हुआ अभी ढूंढ लेना, और मस्ट बी विजिलेंट लिखा है, आर होगा तो ये आवर वी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। आर टीचर नेवर एक्सपेक्ट्स, ये एक्सपेक्ट्स लिखा है, द असाइनमेंट इफ एनी वन ऑफ अस, फिर ये भी चेंज होगा, इज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाए, इन द सबमिशन रमेश सेड टू हिज फ्रेंड, रमेश ने अपने दोस्त से कहा, तो रमेश ने अपने दोस्त से कहा, तो वी का दे हो जाएगा, आवर का दे आर हो जाएगा, ठीक है ना, और अस का देम हो जाएगा, इज का ये क्या हो जाएगा, इज का वाज हो जाएगा, यही सारी चीज़ें हमको ढूंढनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वी का दे होना चाहिए था, ये गलत हो गया, गए यहाँ से, यहाँ वी मस्ट है, वी मस्ट ये गलत हो गया, दो निकल गए हमारे काम से। अब तीसरा है वी मस्ट बी विजिलेंट एज, यहाँ दे सॉरी दे लिखा हुआ है, दे मस्ट बी विजिलेंट एज देयर टीचर नेवर एक्सेप्टेड, ये देखो एक्सेप्टेड लिखा है, द असाइनमेंट इफ एनी ऑफ देम
वाज लेट इन, ये सारे के सारे सही हो गए। ये वाज भी ठीक किया गया है और ये एक्सेप्टेड ये भी सही किया गया है, पास्ट में गया। ये देयर भी सही कहा किया गया है, ठीक है, तो ये पूरा सही। अब चेक कर लेते हैं चौथे वाले में, मस्ट बी विजिलेंट एज आवर टीचर, आवर गलत हो जाएगा। यहाँ दे तो ठीक किया लेकिन यहाँ आवर रहने दिया तो गलत हो गया। तो तीन गलत निकल गए हैं आपके पास, तीसरे के अलावा और कोई चारा नहीं है। दो वर्ब से गलत हो गए थे, सॉरी प्रोनाउन से गलत हो गए, वी दिया था गलत हो गया, चौथे में आवर को नहीं चेंज किया इसलिए गलत हो गया, हमारा आंसर तीसरा निकल आया। ठीक है, अब आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें भी क्या करना है आपको, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द पिज्जा वाज ऑर्डर्ड बाय निकिता एट 5 PM, 5 बजे निकिता पिज्जा का ऑर्डर करती है। वाज के साथ ऑर्डर्ड, वाज के साथ थर्ड फॉर्म, इसका मतलब एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए। निकिता को पहले ले आओ, निकिता ऑर्डर्ड, ये है निकिता ऑर्डर्ड द पिज्जा, ये हो गया सही। हैज बीइंग नहीं होगा, हैज के साथ बीइंग लगता भी नहीं है, और वाज के साथ थर्ड फॉर्म है तो इसमें हैड या हैज बीइंग की कोई गुंजाइश नहीं है, और पहला वाला आंसर होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें आपको फिलर भरना है। लिखा आई कुड सी सेंस, आई कुड सेंस द डैश बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब मुझे कुछ आभास लग रहा है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कुछ। अब देखो या तो अच्छी बात होगी या तो गड़बड़ बात होगी, ठीक है। ट्यूनलेसनेस, ट्यूनलेसनेस का मतलब क्या हुआ, उनकी ट्यूनिंग कुछ गड़बड़ है। तो देखो और वर्ड देख लेते हैं, इसको रिजर्व रखते हैं। आई कुड सेंस द ट्यूनलेसनेस, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ट्यूनिंग में कमी आ रही है, तो हो सकता है ये ठीक हो, लेकिन यहाँ डिसहारमोनी लगा दिया, तो डिसहारमोनी इज़ बेटर देन ट्यूनलेसनेस, तो ये डिसहारमोनी वर्ड आ जाएगा। जैगलिंग क्या होता है, जब दो धातुएं टकराती हैं तो जो आवाज़ निकलती है, जैसे घंटा है, पीतल का घंटा होता है, पीतल, अब जो उसमें क्या होता है एक मतलब घंटा होता है, उसको जब बजाते हैं तो दो धातुएं आपस में टकराती हैं, उसी को वही जो आवाज़ आती है जैंगलिंग कहते हैं। तो और रॉकस क्या होता है, तो रॉकस का मतलब होता है ना कुछ, कोई हार्श वॉइस, कोई मतलब बहुत कड़वी कर्कश सी आवाज़ निकालना जो कानों को चुभती हुई सी लगे, ठीक है। तो ये फिलहाल नहीं होगा, अरे यार गड़बड़ है, जो सही होगा उसको भी मैंने काट दिया, ये तो होना था, ठीक है, ये होना था, पर ये इसकी वजह से कमज़ोर पड़ गया, डिसहारमोनी की वजह से जैगलिंग और कॉकस नहीं हो पाएगा। आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47, फिर से खाली जगह भरना है। टू अवॉइड डैश ऑन द रोड, तो रोड पर क्या होगा, या तो एक्सीडेंट होगा या तो शोर शराबा होगा, और क्या होगा। टू अवॉइड डैश ऑन द रोड प्रॉपर साइंस एंड सिग्नल्स शुड बी पुट अप, तो प्रॉपर वहाँ पे साइन संकेत वगैरह और प्रॉपर सिग्नल वगैरह लगाए जाने चाहिए। तो अगर ये लगा है तो फिलहाल एक्सीडेंट भी हो सकता है या फिर ट्रैफिक हो सकता है, ठीक। यहाँ लिखा है चफिंग, चफिंग होगा नहीं, चफिंग क्या होता है ना, ये भी करीब कर्कश सी आवाज़ निकालने के लिए, हार्श वॉइस निकालने के लिए चफिंग वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ चफिंग नहीं होगा, जो गाड़ियों का की आवाज़ होती है चिल्लपो, मतलब पोपा इंजन की और हॉर्न की आवाज़ होती है, उसको चफिंग नहीं कह पाएंगे, चफिंग नहीं लगेगा यहाँ पे। स्लीपिंग रोड पे नहीं भैया, ये ट्रैफिक की बात है। स्टफिंग, स्टफिंग का मतलब क्या होता है, जैसे पराठे में आप आलू का वो सब स्टफ करते हैं, उसको स्टफिंग कहते हैं ना, ये नहीं लगेगा यहाँ पर। कंजेशन होता है, कंजेशन का मतलब भीड़ बढ़ जाती है, ट्रैफिक जाम होता है, अगर इससे बचना है सड़क पर, कंजेशन से बचना है तो प्रॉपर साइन और सिग्नल होने चाहिए, चौथा वाला ज़्यादा लगेगा। ट्रैफिक के लिए सुटेबल वर्ड वही है कंजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, एंटोनीम बताना है किसका, रिलेक्टेंटली, और रिलेक्टेंटली का मतलब क्या होता है, हेजिटेशन, रिलेक्टेंट क्या होता है, हेजिटेट करना, ठीक है, हेजिटेट, हेजिटेंटली होगा, हेजिटेट करना होगा, ये हेजिटेट करने के लिए आप एंटोनीम लगाओ, तो एंटोनीम मतलब उसका क्या हो गया, एकदम फ्रैंक होना चाहिए आदमी। और यहाँ लिखा है जेड, जेलस, देखो दो चीज़ होती है, एक जेड ई ए एल होता है और एक जे ई ए एल होता है, होमोफोन्स में आ सकता है, ध्यान रखना इसको। ये जो जेड वाला जील होता है ना, ये क्या होता है, पैशनेट होता है, एकदम उत्साही जोशीला होता है कि नहीं, तो ये हो गया उत्साही, उत्साह से भरा हुआ, एकदम जोश में होगा, एनर्जेटिक होगा। और ये जो जेड, जे वाला जील है, ये किसके लिए होता है, ये ईर्ष्या के लिए लगता है, ठीक है, तो पहली बात ये समझ लो। अब रिलेक्टेंट मतलब संकोच करता हुआ, और जेलसली मतलब क्या होता है, एकदम जोश में उत्साह में, तो ये एंटोनीम तो हमारा हो गया, खैर ठीक है।
अब दूसरा वर्ड और देख लेते हैं हम, लेकिन इसको क्लियर करते हैं तब बताते हैं। अनविलिंगली का मतलब क्या हुआ? अनविलिंगली मतलब अनिच्छापूर्वक। अनिच्छापूर्वक मतलब कोई आदमी ऐसे काम कर रहा है जैसे उसकी इच्छा नहीं है, उसका मन नहीं कर रहा है। अनिच्छापूर्वक करेगा तो क्या करेगा? रिलक्टेंटली कहेगा। और फेयरली का मतलब क्या हुआ? एकदम ईमानदारी से, स्मार्टली मतलब बड़े अच्छे ढंग से। तो ये दोनों नहीं लगेंगे, लगेगा क्या? जेलसली, मतलब यहाँ अनिच्छा है, हिचकिचाहट है, और जेलसली में क्या है? एकदम जोश और उत्साह है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चा, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में करना क्या है हमको? हम करना है इसमें अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा पूरा, तभी आप अरेंजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ के देखिए क्या करना है। लिखा है हिज ओरिजिनल कंट्रीब्यूशंस, यहाँ हिज लिखा हुआ, किसका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन अभी नहीं मिला है, नाम देखना होगा यहाँ। हिज ओरिजिनल कंट्रीब्यूशंस टू नेचुरल साइंस इंक्लूड द एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द एलिफेंट गेस्टेशन पीरियड एंड द डिस्क्लोजर ऑफ द सारस क्रेन पेयरिंग इन्फॉर्मेशन। उनका ये मतलब नेचुरल साइंस के लिए उनका ये कंट्रीब्यूशन था। किसका कंट्रीब्यूशन था अभी नहीं पता। हिज तुझके जहांगीरी, हिज का मतलब क्या? उनकी तुझके जहांगीरी कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेमोयर ऑफ जहांगीर, मतलब ये हिज जो लिखा है वो जहांगीर के लिए लिखा होगा, उन्हीं की किताब का नाम है। यहाँ लिखा सी में जहांगीर द एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल बादशाह थे जहांगीर, वाज डिवोटेड नेचुरलिस्ट, वो एक डिवोटेड नेचुरलिस्ट थे। ये आपको स्टार्ट दे सकता है जहांगीर की नेचर के बारे में दिया हुआ है। आगे लिखा कि जहांगीर इज नोन फॉर हिज इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेवरल एनिमल्स। अच्छा, यहाँ इन्होंने कहा कि वो एक नेचुरलिस्ट थे, और डी में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो नेचुरलिस्ट कैसे थे, है कि नहीं। जहांगीर इज नोन फॉर हिज इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेवरल एनिमल्स, उन्होंने कुछ एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, जो कुछ बर्ड्स हैं, और इंक्लूडिंग द मंकी एंड हॉक कुकू, इन सब लोगों का उन्होंने क्या दिया है? डिस्क्रिप्शन दिया है। तो सी के बाद डिस्क्रिप्शन दिया है, तो डिस्क्रिप्शन होने का मतलब ये हो गया कि ये किताब आनी चाहिए। तो फिर तो चूँकि जहांगीरी पहले करोगे, उसके बाद ही इसको लगा पाओगे, है कि नहीं। डिस्क्रिप्शन होने का मतलब क्या हुआ? ये किताब का नाम लेना पड़ेगा हमें पहले। ठीक है, तो अब हमारा कम्बिनेशन क्या बन रहा है? सी हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, फिर हम उनकी किताब के बारे में बोलेंगे, और उसी किताब में ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो मतलब सी होगा, बी होगा, फिर डी होगा, और हिज ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन में तो फिर ये लास्ट में आ जाएगा डी ए वाला, तो सी बी डी ए होगा। सी बी डी ए का मतलब क्या हुआ? ये हमारा पहला वाला आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आज आपका क्या होगा? 50 नंबर आ गया ये, तो 50 में फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। चलिए तो पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना इनका यही काम है। इट आल्सो टेक्स केयर ऑफ डेवलपिंग, यहाँ आल्सो लगा दिया, यूनाइटेड नेशंस के लिए लगा हुआ है। इट आल्सो टेक्स केयर ऑफ डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन नेशंस, यहाँ लिखा यूनाइटेड नेशंस आल्सो स्ट्राइव, अच्छा फिर आल्सो लगा, ये नाम के साथ लगा हुआ, स्ट्राइव्स टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ठीक, वो इक्वालिटी के सिद्धांत को लागू करने के लिए भी कोशिश करते हैं। इट आल्सो, बाप रे बड़ा आल्सो लगा दिया, इट आल्सो एक्ट एज द सेंटर थ्रू विच कंट्रीज कोऑर्डिनेट देयर एक्शन एंड एक्टिविटीज फॉर ग्लोबल पीस। ओ तो तीन तो आल्सो मिल गए, तो जाहिर सी बात है स्टार्ट तो ए से होगा, जिसमें आल्सो लगे हैं वो कोई नहीं होगा। अब हमको आंसर भी मिल गया, जब हमको ये पता है कि हमारा स्टार्ट ए से ही होगा, ठीक है ना, क्यों होगा, हमने क्यों कहा यहाँ आल्सो लगा है, इट लगा है, और यहाँ यूनाइटेड नेशन में आल्सो लगा है, और यहाँ भी आल्सो लगा है, तो आल्सो मतलब ये बाद में आएंगे। पहला सेंटेंस ए होगा, यहाँ पर नहीं ए है, यहाँ पर ए से स्टार्ट नहीं, यहाँ पे ए से स्टार्ट नहीं, यही है ए से स्टार्ट, तो ये ले लो चौथा वाला। हमें अब ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मशक्क़त ही नहीं करनी है, हो गया हमारा काम। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर आपके, ठीक है, तो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको एडियम की मीनिंग बतानी है, टू बी इन हॉट वाटर। ठीक, टू बी इन हॉट वाटर का मतलब क्या हुआ? कि एक बड़ी ही मुश्किल कंडीशन में होना,
और कैसी मुश्किल कंडीशन में होना होगा ये, मतलब ऐसी मुश्किल कंडीशन में जहां आपकी बदनामी होने का डर है, या शायद आपको पनिशमेंट मिले या आपकी बदनामी हो जाए, कुछ ऐसी मुश्किल सिचुएशन होती है तो ढूंढते हैं हम। तो टू बी इन हॉट वाटर का मतलब हुआ टू गेट इन टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है। आगे लिखा है विच यू आर इन डेंजर ऑफ बींग ड्रॉन्ड, डूबने का डर नहीं है यहाँ पे, हटा दो। टू गेट इन टू डिफिकल्ट सिचुएशन ये ठीक है। इन विच यू आर इन डेंजर ऑफ बींग चोक्ड टू डेथ ये भी नहीं है, चोक्ड मतलब गला दम घुट जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है। गेट इन टू डिफिकल्ट सिचुएशन ठीक है। इन विच यू आर इन डेंजर ऑफ बींग क्रिटिसाइज या पनिश्ड, हाँ ठीक है, बींग क्रिटिसाइज या पनिश्ड, शायद मेरी आलोचना हो, बदनामी हो या हमको सजा मिल जाए, तो थर्ड वाला एकदम सुटेबल वही है जो हम आपसे एक्सप्लेन किए थे। टू गेट इन टू डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू आर इन डेंजर ऑफ बींग बर्ड, जल जाने का डर है ये नहीं है, मौत का खतरा नहीं है इन डिफिकल्ट सिचुएशन हॉट वाटर में, ठीक। तो थर्ड वाला आपका आंसर हो गया, क्यों हुआ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। लिखा है मीनल सेट, सेट लगा और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। दे का मतलब क्या हुआ, दे मतलब मीनल का प्लूरल हो गया, तो यहाँ क्या रहा होगा, वी रहा होगा, और वर्क की जगह क्या होगा, आर होगा। वी आर बोर्डिंग द ट्रेन, देन की जगह क्या होगा, नाउ रहा होगा, ये बात तय हो गई। तो पहले तो नाउ वाले गलत हो गए जिनमें, अरे सॉरी गलत नहीं हो जाएगा, एक्टिव हमें बनाना है ना, तो सॉरी डायरेक्ट बनाना है, तो नाउ तो होना ही चाहिए था, देन वाला गलत हो गया। और वी आर होगा, ये दे वर्ग का क्या होगा, वी आर होगा, तो यहाँ वी हैव बीन है, गलत हो गया। और आर वी, देखो यहाँ पे आर पहले कर दिया, ये इंटरोगेटिव हो जाएगा, जबकि असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। और वुड भी क्यों लगेगा भाई, यहाँ क्या होगा, वी आर, यही वाला ऑप्शन सही होगा, वी आर बोर्डिंग द ट्रेन नाउ, ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए आगे आते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है एंटोनियम बताना है, किसका एंटोनियम, रूथलेस का बताना है। तो एक वर्ड आप लोग नोट करो, रूथ, रूथ का मतलब क्या होता है, काइंडनेस, पिटी, ठीक है, क्या होता है, काइंडनेस या पिटी, ये काइंडनेस ले लो, या कह सकते हो मर्सी या पिटी, कभी कभी हो सकता है कि साइनोनिम कहीं पूछ लिया जाए, काइंडनेस, मर्सी, पिटी, कंपैशन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, कंसिडरेटनेस, कंपैशन, दया कहते हैं उसको, तो दया। अब इसमें रुथ में क्या लगा है भाई, लेस लगा है, तो लेस लगाने का मतलब क्या होता है, विदाउट, विदाउट का मतलब ऐसा आदमी जिसके अंदर दया ना हो, ठीक, इसकी मीनिंग हो गई जिसके अंदर दया ना हो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अनकाइंड, अनकाइंड, इसका एंटोनीम क्या होगा, जिसके अंदर दया हो, तो होस्टाइल दुश्मन हो जाएगा, लगेगा नहीं। लीनियंट का मतलब उदार होता है, जो क्षमा वगैरह कर देता है। रिजोल्यूट मतलब इरादे का पक्का हो गया। एफ्लुएंट अमीर हो गया, लो तो सारे वर्ड अनप सनप लगे हुए हैं। होस्टाइल दुश्मनी वाला लीनियंट क्या होता है, लीनियंट उदार होगा, उदार का मतलब क्या होगा, गलती करोगे तो माफ़ कर देगा। रिजोल्यूट इरादे का पक्का होगा, लगेगा नहीं। एफ्लुएंट क्या होगा, ये रिच हो जाता है, ये लग नहीं पाएगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है आपके पास, लीनियंट, जो आपको माफ़ कर सकता है, वो हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 का, ठीक है। इसमें एरर बतानी है आपको, ये छोड़ दो पढ़ने के लिए, सीधे आ जाओ। रवि वागडे, तो हमारे नाम का पर्सन है, ठीक है, रवि वागडे, अप टू द प्रिंसिपल्स केबिन, वो जाता है प्रिंसिपल के केबिन तक, बट कुड नॉट मीट हिम, पर उनसे मिला नहीं। तो इसमें आप बताइए क्या गलती हो सकती है, अप टू अ प्रिंसिपल्स केबिन, ओहो ये प्रिंसिपल के पहले आ लगाना गलत हो जाएगा, ठीक। कह रहे कि रवि वॉक्ड अप टू अ प्रिंसिपल्स केबिन, किसी प्रिंसिपल के केबिन में गया क्या भैया, जिस स्कूल में वो पढ़ता है, जिस कॉलेज में पढ़ता है, उसी के प्रिंसिपल ना, तो ये आ क्यों लगाओगे, वो तो डेफिनेट प्रिंसिपल होंगे ना, प्रिंसिपल थोड़े ना इंडेफिनिट हो जाएंगे, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसके प्रिंसिपल आपके लिए इंडेफिनिट कैसे हो जाएंगे, अननोन कैसे हो जाएंगे। दूसरी बात, ये एक पद है, डिजाइनेशन पद के पहले हम लोग दा लगाते हैं, आ नहीं लगाते हैं, तो गलती किस में है, टू में, तो टू कहाँ है, ये है टू, ठीक है ना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन इसका थर्ड होगा, और पार्ट कौन सा हुआ, टू वाला हुआ। चलिए आगे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, अंडरलाइन किया हुआ है और इसको इम्प्रूव करना क्योंकि यहाँ लिखा कैन सब्स्टिट्यूट, तो डोंट सी इनटू माय फ़ोन, मेरा फ़ोन मत देखो, या मेरे फ़ोन के मैं नया नया ख़रीदा होगा महंगा वाला, तो डोंट सी माय फ़ोन, मेरा फ़ोन मत देखो, तो सी के बाद इनटू लगा है ना, तो इनटू नहीं होगा, सी इनटू नहीं होगा, क्या होगा, मेरे फ़ोन मत देखो, तो यहाँ लगाना होगा लुक एट, ठीक है, लुक एट, डोंट लुक एट माई फ़ोन, लुक एट लगना चाहिए, सी इनटू नहीं लगना चाहिए, ठीक। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56 है, तो 56 में क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। लिखा है कि दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू बिल्डिंग इन सिटी सेंटर, तो आर लगा और कंस्ट्रक्टिंग लगा, कंस्ट्रक्टिंग में क्या है बच्चा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ये क्या चेंज होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, न्यू बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आर की जगह इज हो जाएगा, तो अ न्यू बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तो सबसे पहले क्या होगा, दे कंस्ट्रक्टेड गलत हो जाएगा, बीइंग के साथ कंस्ट्रक्टेड, हमें क्या लिखा है, अ न्यू बिल्डिंग इन द सिटी बाय देम इज ऑन गोइंग, हटाओ, ये सेंटेंस ही बदल दिया, अ न्यू बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ये हमको मिला जो हम ढूंढ रहे थे, यहाँ लिखा दे विल, विल क्यों लगेगा भाई, गलत हो गया, तो यही है इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, एक ही में तो बीइंग मिला है जी, बड़ा आसानी से काम बन गया, ठीक है। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57 का, इसमें आपको एरर बतानी है, ये छोड़ो, वहाँ पे आ जाओ, इट इज़ रेनिंग व्हेन दे प्लेड, अब देखो व्हेन दे प्लेड, ये प्लेड है, प्लेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये इट इज़ रेनिंग क्या हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, तो हो ही नहीं सकता भाई, बारिश हो रही है जब वो खेल रहे थे, सवाल ही नहीं पैदा, अब देखना है कि ये सही है या ये सही, आगे पढ़ो, द क्रिकेट मैच लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आएगा तो प्लेट सही है, इट इज़ रेनिंग गलत हो जाएगा, क्यों, कल की बात है ना, तो इज नहीं लगा सकते हो, गलती क्या होगी, इज की जगह वाज लगाओ, तो आपका कौन सा पार्ट गलत हुआ, फर्स्ट पार्ट, यानी कि यह होगा पहला वाला आंसर, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये फार अंडरलाइन क्या हुआ है, यहाँ दिया है कैन सब्स्टिट्यूट, तो देखो इस फार की जगह पर क्या लगा सकते हो, तो आई विजिटेड माई फ्रेंड डैश नाइट, तो मैं अपने दोस्त से मिला रात को, तो रात को, तो नाइट के पहले क्या लगाओगे, एट नाइट यूज किया जाता है ना, अगर द लगा होता नाइट के पहले तो हम इन लगा देते, इन द नाइट, ध्यान रखना नाइट के पहले अगर द लगा होगा तो इन लगेगा, और द नहीं लगा होगा तो एट लगेगा, तो एट लगाओ यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन इन्होंने इनका भी दिया है, लेकिन वो द लगा होता तब लगता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 59, 59 में क्या करना है, वही कैन सब्स्टिट्यूट, ये अंडरलाइन किया हुआ है, सब्स्टिट्यूट करो, वी आर डिस्कसिंग फॉर द सेम मैटर, फॉर नहीं लगेगा, देखो सीजीएल वाले में ये बात हमने डिस्कस की थी, और इसमें स्टैन वाले में तो नहीं आया था, चार वर्ड हैं ध्यान रखना, डिस्कस है और डिस्क्राइब है, ठीक है, एक्सप्लेन है, डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन है, और एक है इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट इनका भी मतलब होता है एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को, इन सब के बाद नो प्रीपोजिशन, याद रखना कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, डिस्कस, डिस्क्राइब, इन सब के बाद अबाउट वगैरह, फार वगैरह कुछ भी नहीं लगता है, ठीक। यहाँ डिस्कसिंग अबाउट लिखा है ये भी गलत, डिस्कसिंग अपान लिखा है ये भी गलत, डिस्कसिंग ऑफ लिखा है भी गलत, केवल डिस्कसिंग होगा विदाउट एनी प्रीपोजिशन, ठीक है, तो थर्ड वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, काम आएगा आपके, वो ज़रूरी चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम 60 में, ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, पैसे चूंकि बड़ा था इसलिए साइज थोड़ी छोटी कर दी है, दिमाग पे जोर, दिमाग पे नहीं आँख पे जोर डालना पड़ेगा, जूम करके देख लेना, जूम होता तो होगा ही, आप लोग जानते होंगे, हमें तो नहीं पता कैसे वीडियो कैसे जूम होता है, चलो पीडीएफ होगा ना, पीडीएफ तो सॉल्व ही किया होगा, इसको पढ़ के देखते हैं। वन कॉमन मिस्टेक दैट मेनी पीपल हैव मेड इज दिस, एक कॉमन मिस्टेक जिसको कि बहुत सारे लोगों ने की है वो ये है कि दे हैव थॉट दैट इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग इफ एवरीबडी हैड एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ मनी, कुछ लोगों ने ये सोचा कि सब आदमी, हर आदमी के पास बराबर 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 मात्रा में पैसे हो, धन हो, तो ये बड़ी अच्छी चीज होगी, ठीक। आगे लिखा कि नो मैटर वेदर दे वर्क हार्ड लिव क्वाइट आइडली, मतलब चाहे वो खूब मेहनत करें और चाहे आलसियों की तरह एक जगह पड़े रहें, सबको बराबर, सबके पास धन होना चाहिए, कुछ लोग मानते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ होती, ठीक।
अब राइटर क्या कह रहा है कि नाउ दैट, अब बात यह है कि अ वेरी ग्रेट मिस्टेक, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है. बिकॉज क्यों क्यों इसको मिस्टेक कहा कि देयर सिंपली इज नॉट इनफ मनी टू मेक एवरीवन रिच, इतना पैसा ही नहीं है कि हर आदमी रिच हो जाए. एक मिस्टेक जो है. दूसरी, एंड दे हैव इमेजिन्ड, और जिन लोगों ने ऐसा सोचा उन्होंने इमेजिन किया था कि इफ ऑल द मनी इन द कंट्री वर इक्वली डिवाइडेड एवरीबडी वुड बी रिच, देश में जितना पैसा है वो सब में इक्वली बांट दिया जाए तो हर आदमी रिच हो जाएगा. तो इन्होंने कहा कि दे फॉरगॉट दैट, वो जब ये कह रहे थे तो ये एक बात भूल गए कि वेरी फ्यू पीपल वुड वर्क एट ऑल. ऐसा होता तो बहुत ही कम, तब मान लो 0.001% लोग मेहनत करते. इफ इट वर नॉट फॉर मनी देयर वर्क ब्रिंक्स देम एंड दैट विदाउट वर्क देयर वुड बी नो मनी, और पैसा काम करते ही नहीं लोग तो पैसा कहाँ से आता. तो ये चीज़ हो गई. तो हमको तो लग रहा है ये सीधा सीधा एकदम से लिखा हुआ है ABCD के क्रम में, तो हो सकता नहीं हो पाएगा. ए के बाद डी आना चाहिए, ठीक है ना. सी भी उल्टा चलना पड़ेगा हमें, ABCD नहीं हो पाएगा. गड़बड़ी क्या है देखो, यहाँ कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, ये दिया हुआ है. अब राइटर ने कहा कि वो ये बात भूल जाते हैं कि ऐसा क्यों होता, ठीक है. नो मनी, अब इसके बाद हमको करना पड़ेगा, ए के बाद डी लगा दो, उसके बाद क्या करो, और एंड दे हैव इमेजिन्ड, ठीक है. यहाँ दे की बात की है, दे ये सोचे हैं, तो फिर वहीं पे एंड दे लगाना. अब ये हमें एंड लगाना था, इस दे के साथ एंड लगाना. इसमें एंड लगा हुआ तो जाहिर सी बात है ये डी वाले के बाद ही आ पाएगा, कोई चारा नहीं था हमारे पास. नाउ दैट कह रहे हैं, तो नाउ दैट कहने का मतलब ये कंक्लूजन हो जाता, बी में चला जाएगा. तो ये चीज़ हो जाएगी, ए के बाद डी, सी उसके बाद बी लगा, वो कंक्लूजन दे रहा है. ए डी सी और बी, कहाँ है ये ऑप्शन, ए डी सी और बी, ये वाला हो गया, ठीक है, पहला वाला. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे अभी भी बाकी रह गए हैं, तो इनको निपट इनसे निपट लेते हैं. 61 पाँच क्वेश्चन अभी आपके और बचे हैं. ये भी एरर का क्वेश्चन है, ऑप्शन में यहाँ नो एरर दिया है तो हम बाकी छोड़ दे रहे हैं. लिखा है 30 miles आर अ लॉन्ग वे टू वॉक, 30 मील, 30 मील का मतलब 45 किलोमीटर, पैदल चलना एक काफ़ी लंबी दूरी है, ये कह रहे हैं 30 miles. अच्छा, यहाँ आपको माइल्स मिल रहा होगा, 30 miles, 30 miles को 30 यूनिट तो नहीं कहा ना. ये 30 मील जो हैं वो 30 अलग अलग यूनिट नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक यूनिट है. यहाँ क्या लिखा, आ लॉन्ग वे. यहाँ से देखिएगा, 30 माइल को क्या मान रहे हैं, आ लॉन्ग वे मान रहे. आ लॉन्ग वे का मतलब क्या हुआ, 30 मील को एक यूनिट में देख रहे हैं. एक यूनिट में देखोगे तो इसके साथ आर नहीं क्या लगेगा, इज लगेगा. जैसे कहीं लिखा हो कि 10,000 रुपये एक बड़ा अमाउंट है, तो 10,000 रुपये को एक यूनिट में देख रहे हैं, तो 10,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट. लेकिन अगर कहोगे कि 10,000 रुपये खर्च हो गए, तो हम कहेंगे 10,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट, लेकिन 10,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट, ऐसे होता है, ठीक है. तो और ज़्यादा क्लियर करना हो तो मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक देख लो, उसमें मैंने इस बात को अच्छे से समझाया है कि कब इनके साथ इजिया सिंगुलर हो जाता है. तो गलती किसमें हो गई, यहाँ जो आर लगा हुआ है आर गलत है बेटा, यहाँ इज होना चाहिए था, चौथा वाला ऑप्शन होगा आपका. आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 62 में, खाली जगह भरना है, पढ़ के देखो क्या लिखा. द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इरीगेट द डैश डेजर्ट लैंड. अब डेजर्ट लैंड है तो सूखी हुई होगी और का, और गवर्नमेंट प्लान कर रही है इरीगेट करने को, सिंचाई करने के, तो जाहिर सी बात है सींचा हुआ एरिया तो नहीं होगा, सूखा एरिया होगा. दूसरी बात, डेजर्ट लैंड है. बाय यूजिंग वाटर फ्रॉम नियर बाय रिवर, नदी वाले पानी से, पास में जो नदी है उसी के पानी से उसकी सिंचाई करने की वो करें. अच्छा, यहाँ पे लगाना क्या है आपको, साइनोनीम लगाना है. साइनोनीम किसका लगाना है, पार्श्व का. पार्श्व का मतलब क्या हुआ, एकदम झुलसा हुआ, भुना हुआ. तो साइनोनीम इसका क्या हो सकता है, लस मतलब हरा भरा होगा नहीं, एरिड का मतलब क्या हो गया, ड्राई होगा, तो यही हो जाएगा पार्श्व ओनली, और रस्टिक यहाँ लगेगा नहीं तो एरिड एरिया हो जाएगी, ठीक है. कई जगह से हिंट मिल गई, डेजर्ट लैंड है और गवर्नमेंट इसको इरीगेट करने की चाह रही है, तो जाहिर सी बात है सूखा होगा, एरिड होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहे हैं कि आई डोंट फील लाइक हैंगिंग आउट टुडे, ठीक है, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है आज, और आई एम फीलिंग अ बिट अनवेल, और थोड़ा सा मैं मुझे बीमार मतलब ऐसा लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है. तो इसके लिए आप सुटेबल idiom ढूंढो. तो अंडर द कोट, अंडर द कोट मतलब सीक्रेट हो जाता है, ये लगेगा नहीं.
अंडर द वेदर, हाँ अंडर द वेदर जो होता है ये होता है बीमार होने के लिए, अनवेल हो जाता है आदमी, ये लगेगा। नियर द होरिजन मतलब दूर के लिए लगता है, ओवर द मून का मतलब ओवर जॉयड के लिए हो जाता है, आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब खुशी रोके ना रोके, ओवर जॉयड ये होता है। तो ये बीमार होने के लिए अंडर द वेदर लगेगा, इसके पहले भी आ चुका है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, खाली जगह भरना है, हिटलर्स कंसंट्रेशन कैंप्स, जो हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप थे, डैश द बॉडीज ऑफ द डेड कैप्टिव सब्सिक्वेंटली, डैश क्या करते थे वो, तो अब बॉडीज ऑफ द डेड कैप्टिव, जो बंदी होते थे जिनको बंदी बनाते थे, जो उनकी डेड बॉडीज को क्या करते थे वहाँ पर, म्यूटिलेट का मतलब क्या होता है, बोटी बोटी करना, तो ये समझ लो एक हो गया म्यूटिलेटेड, बोटी बोटी करना। कंस्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, तो बॉडी से षड्यंत्र रचने का कोई मतलब नहीं आएगा। एग्जैगरेटेड मतलब चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना, ये भी नहीं लगेगा। और रिसाउंडेड का मतलब ईको करना, तो बॉडी कहाँ से ईको करेगी, ये भी नहीं लग पाएगा। तो ये बोटी बोटी करना, छोटे छोटे टुकड़े कर देना, ये ठीक लग रहा है, ठीक। चलिए तो वो पहला वाला हो गया, नेक्स्ट नंबर में आ जाओ। हमारा आज का, आज के डिस्कशन का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 65, ग्रामर और वोकैब वाला पोर्शन यहीं पे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा क्या, क्लोज टेस्ट और पैसेज का पोर्शन। तो ये 65 वाला हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। शायला सेड टू मी, शायला ने मुझसे कहा, व्हाट अ स्किलफुल टेलर ही सी इज। अब ये सी एच के बाद ये वाला निशान लगा है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। व्हाट आर स्किलफुल का मतलब क्या होगा, वेरी टैलेंटेड, वेरी स्किलफुल, ठीक है, ये हो जाएगा। और सी एच को पहले ले आओगे तो सी एच का क्या हो जाएगा, सी वाज, सी वाज अ वेरी स्किलफुल टेलर। तो सी शायला एक्सक्लेम दैट सी इज, इज नहीं होगा भैया, वाज होगा। शायला सेड दैट सी वाज, सेड तो ठीक नहीं लग रहा यार, ये तो सिंपल एक्सप्रेशन हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड होना चाहिए। शायला एक्सक्लेम्ड दैट सी वाज अ वेरी स्किलफुल टेलर, ये हमको एकदम से ठीक लग रहा है। अगर और कुछ ना मिल गया तो यहाँ लिखा इफ़ लगा, नहीं तो एक्सक्लेम के साथ इफ़ नहीं लगता, दैट लगता, ये वाला भी गलत हो गया। तो थर्ड वाला है आंसर हमारा एकदम से करेक्ट होगा। तो ये हमारे 65 क्वेश्चन हुए, 65 मतलब आज के नहीं, आज तो हम लोगों ने 30 क्वेश्चन ही किए हैं, 35 पहले कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 65 तक हम लोगों ने अभी अभी कंप्लीट किया, कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन, ठीक। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय हमको ज़रूर दीजिएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए सलाह देना चाहते हो तो वो दीजिए। और स्टेनोग्राफर का सेंस जो सेशन था वो करीब करीब ख़त्म होने वाला है, एक डिस्कशन और बचा है 35 क्वेश्चन का, 66 से लेकर के 100 तक का, ठीक, एक डिस्कशन केवल और बचा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद मैं जिसे मतलब कुछ बच्चे हैं जो चाह रहे हैं कि मैं स्टेनो को ही कंटिन्यू रखूं, तो बेटा अभी स्टेनो के दो हो गए हैं, दो साल का स्टेनो हमने करा दिया है, अभी स्टेनो को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। अभी हम चूँकि स्टेनो के बाद अगला एग्ज़ाम जो होगा वो CHSL का है, जून में उसका भी एग्ज़ाम है, तो हम इसके बाद CHSL 2023 वाला पहले करेंगे, ठीक, तो उसको कर लेंगे। और हाँ, साथ में NDA CDS का भी हम डिस्कशन कराने जा रहे हैं, ठीक, NDA CDS, लेकिन वो आपके SSC वाले को कोई काउंटर नहीं करेगा, SSC वाला CHSL वाला अपने टाइम पे चलता रहेगा और NDA CDS वाला अपने टाइम पे चलता रहेगा। अब हम दिन में दो वीडियो डालेंगे। अच्छा, जो लोग SSC को परस्यू कर रहे हैं वो NDA CDS से बिल्कुल परहेज ना करें, NDA CDS में लेवल थोड़ा सा उठ जाता है, लेकिन अगर आप उसको भी करते हैं, जो लोग SSC परसू कर रहे हैं अगर वो लोग NDA CDS वाला डिस्कशन देखते हैं तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि दिस वुड बी बेटर फॉर यू, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और ही अच्छा होगा, लेवल थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, तो इसमें क्या बुराई है। वोकैब बहुत बढ़िया होती है NDA CDS में, आपकी वोकैब तैयार होगी, नरेशन यही नरेशन तो खैर NDA में नहीं होता है, ठीक है, एरर होगी, इम्प्रूवमेंट होगा, फिलर होगा, रीअरेंजमेंट होगा, सारी चीज़ें तो यही रहती हैं, ADM फ्रेजेस वगैरह उसमें कभी कभी आते हैं, वो क्या बहुत बढ़िया होती है, होमोफोन्स अभी पिछली बार वाले में पूछे गए थे, ठीक है। तो सारा मटेरियल यही है, बेहतर होगा कि आप दोनों पढ़ा करो, SSC वाला हम शाम को डाला करेंगे और NDA CDS वाला दिन में किसी समय डाला करेंगे, ठीक है, तो दोनों पर काम चलेगा, ठीक है।
आप लोग, आपके दोस्त अगर कोई हो जो एनडीए सीटीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप उनको वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। अभी उसमें भी हम डिस्कशन पर ही शुरू करेंगे, उसके बाद ग्रामर पे और वोकैब पर हम आने वाले हैं, जल्दी ही आने वाले हैं। आपसे कहा था मटेरियल बना रहा हूँ, बहुत जल्दी ही बन के तैयार होने वाला है, फिर आ जाते हैं हम। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वाले सेशन में, इसके फाइनल वाले में। तो कल तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं हम लोग कल। टेक केयर, थैंक यू।